हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एट योर होम। टुडे आवर टॉपिक इज फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी टू डिजिट नंबर बाय कॉलम मेथड। कि आज आपको क्या करना है कि कॉलम मेथड से किसी भी टू डिजिट नंबर का आप स्केयर कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है 47। आपको 47 का स्केयर निकालना है यूजिंग बाय कॉलम मेथड। तो इससे पहले हमारे पास एक आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो यहां से हम क्या करेंगे, तीन कॉलम बनाएंगे, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थर्ड, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। तो आपके पास यहां पर क्या होगा, ए की वैल्यू होगी 4 होगी, बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी 7 होगी। क्लियर? यानी ए होगा वो आपका पहले वाला डिजिट होगा, बी होगा वो आपका यूनिट डिजिट होगा यानी सेकंड वाला डिजिट होगा। क्लियर? अब आपको क्या करें, कॉलम वन, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, तो आपको यहां पर क्या करना है, फर्स्ट में लिखेंगे आप ए स्केयर, सेकंड में लिखेंगे 2 into a into b, थर्ड में लिखेंगे आप बी स्केयर। तो आपके पास b की वैल्यू क्या है, 7 है, 7 का स्केयर करेंगे क्या आएगा 49, 7 का स्केयर आएगा 49। फिर आपको क्या करना है, 2 into a की वैल्यू हमारे पास 4, b की वैल्यू हमारे पास 7, b की वैल्यू क्या है 7, 7 4 28 28 into 2 56। अब आप आएंगे कॉलम वन पर ए स्केयर, ए क्या हमारे पास 4 है, 4 का स्केयर क्या आएगा 16। अब आपको क्या करना है, थर्ड कॉलम से स्टार्ट करना है, यानी पीछे से आपने स्टार्ट करना है, क्या लेंगे आपको सिंगल डिजिट लेना है 9। जो आपके पास 4 बच गया वो आपका कहा आएगा, कैरी में आएगा 60। जब आप 56 में 4 को ऐड करेंगे क्या आएगा 60। 60 का आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। क्लियर? आपके पास जो 6 बचेगा फिर से वो कहा जाएगा, कैरी हो जाएगा, क्या आएगा 22। तो आपके पास जो स्केयर होगा 47 का वो क्या होगा 2209। क्लियर स्टूडेंट्स? एक और एग्जांपल देखते हैं हम। सेकेंड, हमारे पास जो एग्जाम्पल है, मान लीजिए 86 का आपने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो सेम तरीके से जो आपके पास ए होगा वो 8 होगा, बी होगा वो क्या होगा 6 होगा। क्लियर? सेम टाइप से आपको तीन कॉलम बनाने, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड। तो जो आपके पास जो फर्स्ट कॉलम वहां पर आएगा ए स्क्वायर 2 into a into b b square। तो आपके पास जो b की वैल्यू वो क्या है 6 है, 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36 आएगा। 2 into a की वैल्यू क्या है 8 है, b की वैल्यू क्या है 6 है, 8 6 जा 48 48 2 जा 96। क्लियर? अब आपके पास ए है, ए की वैल्यू क्या है 8 है, 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64 आएगा। आपको क्या करना है, पीछे से स्टार्ट करना है। तो 36 का क्या आएगा 6 आएगा, 3 जाएगा आपका कैरी, ऐड होगा क्या आएगा 99। आप 9 को यहां लिखेंगे, 9 आपके पास कहां आएगा, कैरी में आएगा, ऐड होगा क्या होगा 9 + 4 13, 6 + 1 7। तो आपके पास क्या आएगा 73। तो जो आपके पास स्क्वायर होगा 86 का स्क्वायर वो क्या आएगा 7396। आई होप कॉलम मेथड आप सभी को अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बाय डायगनल मेथड।